हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। दोस्तों, चूँकि आज 7 सितंबर है और आज से स्टार्ट हो रहा है ईडोज ईयर फील करना। जिन कैंडिडेट्स का डीट प्लस भी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से पीजीटी लेवल पर जो रिजल्ट आ गए हैं, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, उन लोगों को ईडोज ईयर डालना है ना। तो आज हम जानेंगे उसकी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले उन दोस्तों को, उन एस्पिरेंट्स को मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं और बिल्कुल टीचर बनने की कगार पर हैं। यानी कि उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया है। और उन कैंडिडेट्स को मैं बोलना चाहूँगी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या कुछ पॉइंट्स पर रह गया है, वो हताश निराश ना हो। गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम एंड अपनी प्रिपरेशन करें, हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें, क्योंकि और अपने मन को जिताएं या मन को दृढ़ करें उस चीज़ के लिए। यानी कि अपनी कमियों को देखें कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आपसे ये मौका चूक गया है ना। तो क्योंकि क्या होता है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। यानी कि आप जब जितना अभ्यास करते हैं, जितना रस्सी को इधर उधर खींचते हैं, तो पत्थर को भी वो निशान डाल देती है। काटने का उसमें ओदा या कहते हैं कि काटने की क्षमता रखती है एक रस्सी, पत्थर को काटने की क्षमता रखती है जितनी बार वहाँ से गुजरती है। तो आप देखिए, कई बार क्या होता है, असफलता में भी हमारी कुछ अच्छाई छिपी होती है या फिर हम जीवन में कुछ वहाँ से सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईडोज ईयर का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप जब गूगल पर डी ट्रिपल एस भी सर्च करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास इनका होम वाला जो लिंक है वो आएगा, यानी कि जहाँ से आप अपना रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं। उसके नीचे साइट होती है डी ट्रिपल एस भी ऑनलाइन, आपको वहाँ क्लिक करना है और डायरेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। देखिए, ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है, क्योंकि ये सेफ्टी एरर है यहाँ पर। तो डायरेक्ट आप गूगल से क्रोम से नहीं खोल सकते, तो इसको आपको यहाँ पर जाकर या तो आपको आपने अगर दूसरा कोई डाउनलोड किया हुआ है, जैसे यूसी ब्राउज़र वगैरह होता है, तो इस तरह के, तो इस तरह से आप ब्राउज़र में या उसमें आप ओपन कर सकते हैं कोई और जो साइट होती है। तो ठीक है, डी ट्रिपल एस भी अगर ऑनलाइन भी लिखते हैं आप, तो पहला ही लिंक आपको वो आ जाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए कैसे, किस तरह से आपके पास ये लिंक आ जाएगा, जहाँ से आप अपना ई एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करते हैं। और ठीक है, ये 27 अगस्त के लिए लिंक दिया हुआ है। बाकी आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म की तारीख, महीना और साल, 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर, इस तरह से आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, जो आपने अपना लॉगिन या जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पासवर्ड डाला था, इस कोड को आपको यहाँ फिल करना है और साइन इन करना है। अगर आपके पास पासवर्ड अभी याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर आप इस तरह से, और यहाँ पर अपना वही डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और पासिंग ईयर देखेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका किस पर आ जाएगा, मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, जिससे आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। बाकी मुझे पासवर्ड याद है, तो हम बैक चलते हैं और ये मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको ईडोजियर डालना होगा। आपका ईडोजियर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लिंक होते हैं यहाँ पर, होम प्रिंट एप्लीकेशन ईडोजियर्स, जो ये वाला है ना आपके पास, यहाँ से आप ईडोजियर ओपन करेंगे और अपना ईडोजियर को फाइल करेंगे। यहाँ पर जाकर आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, व्यूजर रिजल्ट पर जानते हैं, यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, जैसे अगर आपने मोबाइल नंबर आपका चेंज हो गया, उसको अपडेट करना है, ईमेल आईडी को अपडेट करना है, ये सभी चीज़ें। तो इस तरह से आप ईडोजियर को डाल सकते हैं। इस वाली आईडी पे ईडोजियर का कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर अभी ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप ईडोजियर पर क्लिक करते हैं इस तरह से, तो ये ओपन होता है, यहाँ पर आपका फॉर्म खुल जाएगा।
या ओपन हो जाएगा, जिससे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी, अपनी डिग्री, मार्क्स वगैरह, कौन सा किस ईयर में अप्लाई किया था, आपका एप्लीकेशन आईडी क्या है, फ़ोटो, इस तरह से आपको सारी डिटेल डालनी होगी और यहाँ से आप अपना ई डोजियर फाइल कर सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक आसानी पहुंच सके और आप नई नई जानकारियां हमसे हासिल कर सकें।